प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1947 से 2021 तक के सभी प्रधानमंत्री के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये 1947 से 1964 ईस्वी तक थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा बनते हैं, ये मात्र 13 दिन के लिए कार्यवाहक के रूप में रहते हैं। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, ये 1964 से 1966 ईस्वी तक थे। भारत के चौथे प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा एक बार पुनः बनते हैं, फिर ये 13 दिन तक कार्यवाहक के रूप में ही रहते हैं। भारत के पांचवे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये 1966 से 1967 ईस्वी तक थी। भारत के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ये 1977 से 1979 ईस्वी तक थे। भारत के सातवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ये 1979 से 1980 ईस्वी तक थे। भारत के आठवें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पुनः बनती है, इस समय ये 1980 से 1984 ईस्वी तक रहती हैं। भारत के नवे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ये 1984 से 1989 ईस्वी तक थे। भारत के दसवें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ये 1989 से 1990 ईस्वी तक थे। भारत के ग्यारहवें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, ये 1990 से 1991 ईस्वी तक थे। भारत के बारहवें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, ये 1991 से 1996 ईस्वी तक थे। भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये मात्र 16 दिन के लिए बनते हैं। भारत के चौथे प्रधानमंत्री एच डी देव गौड़ा, ये 1996 से 1997 ईस्वी तक थे। भारत के पांचवें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, ये 1997 से 1998 ईस्वी तक थे। भारत के 16वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये 1998 से 2004 तक रहते हैं। ये 13वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उस समय मात्र 16 दिन के लिए हुए थे। अभी इन्होंने कुछ टाइम तक कार्य किया था, मतलब कुछ टाइम तक इस प्रधानमंत्री के पद पर थे, 1998 से 2004 तक थे। और भारत के सातवें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, और ये भारत के 17वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, ये 2004 से 2014 ईस्वी तक थे। भारत के 18वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये 2014 से अभी तक वर्तमान तक कभी चल रहे यही प्रधानमंत्री। जय हिंद।